नमस्कार, आप जो रहा छो समाचार सुपरफास्ट। अपनी साथे हूँ छुपिधाता। आ वर्षे शियाळा में छूटपावा रहे जो तैयार। हाजा गड़गड़ावती ठंडी दहेशे तो सामान्य वर्षो करता वधु ठंडी पड़वानी आगाही। 15 नवम्बर थी शियाळानी शुरुआत। अंबालानी आगाही अनुसार हाल परोढ़िए वधु ठंडी पड़शे। 31 ऑक्टोबर थी 7 नवम्बर की आसपास वादळछाया वातावरण रहेशे। केटला गामोमां हळवा मावઠાની पण आगाही। 7 नवम्बर थी सवारे ठंडीनो चमकारो तो 18-19 नवम्बर आसपास ठंडी वधशे। 4 डिसेम्बर थी ठंडीनुं जोर वधारशे तो मध्य गुजरात उत्तर गुजरात सौराष्ट्रमां कातરથી જવતી ઠંડી પડશે। ગુજરાતના મશહૂર સંગીતકાર મહેશ કનોડિયાનું નિધન। નરેશ કનોડિયાના ભાઈ મહેશ કનોડિયાની લાંબી માંદગી બાદ ગાંધીનગરમાં તેમના નિવાસસ્થાને થયું નિધન। પાટણના પૂર્વ સાંસદ હતા મહેશ કનોડિયા। ગાયક કલાકાર સંગીતકાર મહેશ કનોડિયા અને નરેશ કનોડિયાની જોડી બંધુ બેલડી તરીકે જાણીતી। स्त्री और पुरुष अवाज में गीतों गावा प्रख्यात है महेश कुमार। लताजी रफी साहेब सहित जुदा जुदा 32 गायकों अवाज में गीतों गावा महेश कनोडिया है मशहूर। महेश कनोडिया निधन ने लैने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दुख व्यक्त कर। परिवारजनों ने आपी सांत्वना। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ट्वीट कर महेश कनोडिया लोक संगीत और कामगी याद कर वखाण कर कहूं कि लांबा समय बाद संसद सभ्य तरीके की प्रभावी कामगी में हूं नजीकती रहूं छू साक्षी। प्रधानमंत्री मोदी 30 ऑक्टोबरे आवशे गुजरात। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंची सरदार पटेल ने आपशे पुष्पांजलि। विविध प्रोजेक्टनुं करशे लोकार्पण। पीएम मोदी आईएएस ऑफिसर साथे करशे वर्च्युअल संवाद। केवड़िया में तड़ाव नंबर 3 थी सीप्लेनुं करशे उद्घाटन। पीएम मोदी सीप्लेन में बेसीने अमदावाद जशे। गुजरात में 2 दिवस पीएम मोदी कार्यक्रम। पीएम मोदी 30 ऑक्टोबरे बपोरे 3 कलाके केवड़िया पहुंचे। 30 ऑक्टोबरे जंगल सफारी पार्क करशे उद्घाटन। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पास क्रूज बोट उद्घाटन कर बाद श्रेष्ठ भारत भवन सुधी जैसे। भारत भवन की एकता मॉल की मुलाकात लैसे। मोदी चिल्ड्रन पार्क पर करते उद्घाटन। केवड़िया में करते रात्रि रोकाण। 31 ऑक्टोबरे पीएम आरोग्य वन की मुलाकात लैसे। सरदार पटेल की प्रतिमा की पीएम मोदी पूजा करते। एकता परेड में हाजरी आप सैनिकों कर्तव्यों निहार। प्रधानमंत्री मोदी करी मन की बात। पीएम मोदी रेडियो माध्यम से देश ने संबोधित कर। लोगों ने संयम में रही त्यौहारों मनावा अपील करी। स्वदेशी चीज वस्तु खरीदवा आह्वान। पीएम मोदी मन की बात में राष्ट्रीय एकता दिवस की उजवणी उल्लेख कर। सरदार पटेल की जन्मजयंती निमित्त पीएम मोदी 31 ऑक्टोबरे आवशे केवड़िया। आज देशभर में विजयादशमी की उजवणी। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी करशे शस्त्रपूजा। 6 मास बाद गांधीनगर अक्षर मंदिर खुलशे आज। प्रधानमंत्री मोदी विजयादशमी पर्व पर देशवासियों ने पाठवी शुभेच्छा। महान पर्व दरेक लोकोना जीवन में नवी प्रेरणा लईने आवे तेवी शुभेच्छा आपी। संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सरहद पर करी शस्त्रपूजा। शहीद जवानों ने पाठव्या श्रद्धासुमन। एलएसी पर जवानों जुस्सो वधार्यो। अमदावाद पुलिस हेडक्वार्टर खाते शस्त्रपूजा कराई। उच्च पुलिस अधिकारीओए करी पूजा। शहीबाग हेडक्वार्टर खाते शस्त्रपूजा कर AK-47 थी लेने तमाम ऑटोमेटिक रिवॉल्वर सहित हथियारों की विधिवत रीते पूजा कराई। अमदावाद में विजयादशमी पर्व की उजवणी। संतपुर में राजपूत समाजे कर शस्त्रपूजन। समाज ने युवतियों तलवारबाजी कर शक्ति प्रदर्शन कर। संघना वडा मोहन भागवते केन्द्र सरकार की करी प्रशंसा। कहूं सरकार प्रयासों ने लीधे देश में कोरोना से ओछू नुकसान। आ वक्त भारत जवाब थी डरी गयु चीन। दशहरा प्रसंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ना हेडक्वार्टर नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवते शस्त्रपूजा करी। भागवते संघ ना कार्यकर्ताओं ने करा संबोधित। महसाणा में विसनगर में पाटीदार समाज की पहल। फक्त 1 रूपया में लग्न करी आपवामां आवशे। लग्न ना खर्च बोझो न पड़े ते माटेनी पहल। 700 पाटीदार समाज की अनोखी पहल। डाकूना रणछोड़जी मंदिर ने मळ्युं 1,11,11,111 दान। डाकोर मंदिर में पहली बार आटलू मोटू रोकड़ दान। अमदावाद एक श्रद्धाळुए दिवंगत पिता की याद में दान कर। डाकोर टेम्पल कमिटी ने दाता सम्मान कर तो दान आपती वक्त अमूल चेयरमैन रामसिंह परमार हाजर रहा। 6 महीना बाद गांधीनगर अक्षरधाम भक्तों माटे खुलशे। स्वामीनारायण मंदिर में भक्तों करी शकशे दर्शन। कोरोना की महामारी वच्चे 6 महीना बंद हतु मंदिर। सांजे 5 થી 7:30 વાગ્યા सुधी भक्तों करी शकशे दर्शन। अमदावाद में वाहन खरीदी पर कोरोना की असर। गत वर्ष करता 50% बुकिंग घट्यू। दशहरा निमित्ते लोग खरीदी रहा है वाहन। कोरोना ने कारण त्यौहारों रंग पड़ा फीका। दशहरा त्यौहार में फाफड़ा जलेबी उत्पादन 50% घट्यू। प्री ऑर्डर में धरखम घटाड़ो। भाव में वधारो थता लोगए ओछी मात्रा में करी रहा है खरीदी। कोरोना ने कारण दुकानों में सावचेती राखवी पड़ती होवाथी पड़साना व्यापारीए टेकअवे सीस्टम वधारी गाइडलाइन प्रमाण सोशियल डिस्टन्सिंग सिक्योरिटी राखवा सूचना।
अमदावाद में फाफड़ा जलेबी खरीदवा सवार की दुकानों पर लोगों की भीड़ लागी। फाफड़ा भाव 360-560 रूपये किलो, जारी के जलेबी भाव 400-660 रूपये। सूरत में वहली सवार की फाफड़ा जलेबी माटे दुकानों में लांबी लाइन लागी। दशहरा पर्व पर सूतियों लाखों रूपया फाफड़ा जलेबी आरोग्या। राजकोट में कोरोना काल में दशहरा पर्व पर फाफड़ा जलेबी धूम, लोगों माणी फाफड़ा जलेबी की मजा। महीनाओं बाद ग्राहक की घराकी जोवा मळता दुकानदारों चेहरा पर खुशी जोवा मळी। वडोदरा में कार्यक्रम में बोलिया मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, रसी न आवे त्यां सुधी तकेदारी राखवानी अपील करी। निगमना अध्यक्ष उपाध्यक्ष की टर्म पूर्ण, डिरेक्टर साथ कुल 48 लोगों की टर्म पूर्ण थी तो आगामी दिवसों में नवी निमणूक थशे। 3 वर्ष माटे सरकारी करी हती राजकीय नियुक्ति। कच्छ में सवारी सवा 8 आसपास फरी एक बार भूकंप आंचको अनुभवायो। रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता नोंधाई। अंजार थी 12 किलोमीटर दूर नोंधाई भूकंपनुं केन्द्रबिंदु। वहेली सवार में भूकंप आंचका अनुभवाता स्थानिको में फैलायो भयनो माहोल। सूरत में लोकहात होस्पिटल ट्रस्ट पर हुमला, रामपुरा विस्तार में हुमला की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस आ मामले शुरू करी वधु तपास। गिरनार रोपवे प्रवासियों माटे खुल्यो, 2 कलाक में 300 थी वधु प्रवासी पहुंचा। कंपनीए 1000 टिकट गोल्डन टिकट तरीके प्रसिद्ध करी। पंथकना गामडाओनो समावेश थता खेडूतों में आनंद। गीर सोमनाथ जिला 143 गामों ने लाभ मळशे। दिवस दरमियान वीज पुरवठाना समयगाळाथी कामगीरीने सुनिश्चित कराशे। મોરબીના મહેન્દ્રનગરમાં કોંગ્રેસે યોજી ચૂંટણી સભા। નેતા વિપક્ષ પરેશ ધાનાણી, કોંગ્રેસના પૂર્વ ધારાસભ્ય અને ભાજપ ઉમેદવાર બ્રિજેશ મિર્જા પર ધારદાર પ્રહાર કર્યા। ધાનાણીએ ભાજપના ઉમેદવાર બ્રિજેશ મિર્જાને ગદ્દાર કહીને પ્રહાર કર્યા। ધાનાણીની સભામાં લલિત કગથરા, ઇન્દ્રનીલ રાજગુરુ સહિતના નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા। પેટા ચૂંટણીના જંગમાં ભાજપે ઉતારી દિગ્ગજોની ફોજ। મોરબીમાં મનસુખ માંડવિયાએ બ્રિજેશ મિર્જા માટે મત માંગ્યા, કહ્યું કે આ સામાન્ય ચૂંટણી નથી, મોરબીની જનતા ભાજપને જંગી બહુમતીથી જીતવાશે। સંઘ પ્રદેશ દમણમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં અનેક બેઠકો બિનહરીફ જાહેર। ગ્રામ પંચાયતની 166માંથી 81 બેઠકો બિનહરીફ, સરપંચ પદની 18 સીટમાંથી 6 બિનહરીફ। જિલ્લા પંચાયતની 24માંથી 8 બેઠક, જ્યારે કે દમણ નગરપાલિકામાં 15માંથી 3 બેઠક બિનહરીફ જાહેર। તમામ બિનહરીફ બેઠકો ભાજપ તરફી હોવાનો પાર્ટીનો દાવો। એએમસી વિપક્ષ નેતા દિનેશ શર્માના રાજીનામા બાદ કોંગ્રેસે નવા વિપક્ષ નેતા માટે મંથન શરૂ કર્યું। બહેરામપુરા વોર્ડના કાઉન્સિલર કમળાબહેન ચાવડા અને વિરાટનગરના કાઉન્સિલર રણજીતસિંહ બારડનું ચર્ચામાં। દિનેશ શર્મા રાજીનામા બાદ એએમસીમાં વિપક્ષ નેતા પદ ખાલી પડ્યું। 28 ઓક્ટોબરે મળનાર સામાન્ય સભા પહેલા થઈ શકે છે જાહેરાત। રાજ્યસભા સાંસદ પરિમલ નથવાણીનો પીએમને પત્ર, સાસણગીરમાં રેલવે લાઇન રૂપાંતર અંગે પત્ર, તો રેલવે લાઇન બ્રોડગેજમાં રૂપાંતર ન કરવાની માંગ। સાસણગીરમાં બ્રોડગેજ કરવાથી સિંહો પર સંકટ વધશે તેવી રજૂઆત। પરિમલ નથવાણી પર્યાવરણ અને પ્રાણીઓને મોટું નુકસાન થવાની ભીતિ વ્યક્ત કરી। ગુજરાતી ફિલ્મમાં રજનીકાંત ગણાતા અભિનેતા નરેશ કનોડિયાની તબિયત સ્થિર। નરેશ કનોડિયાએ હાલ વેન્ટિલેટર પર હોવાની વાત જણાવાઈ। પિતાની તબિયત પર પુત્ર હિતુ કનોડિયાએ નિવેદન આપ્યું અને કહ્યું કે તમારી પ્રાર્થના કામ કરી રહી છે, મહેરબાની કરીને અફવાઓથી દૂર રહો। નરેશ કનોડિયાને લંગ ઇન્ફેક્શન હોવાથી રખાયા છે વેન્ટિલેટર પર। કોરોનાને સામાન્ય ન ગણવા અને સતર્ક રહેવા હિતુ કનોડિયાએ લોકોને અપીલ કરી। યુએન મહેતા હોસ્પિટલના કાર્યક્રમમાં હિતુ કનોડિયા રહ્યા હાજર। પ્રચારમાં ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સીઆર પાટીલ ઉતર્યા। ભાજપ કાર્યકરોએ બાઇક રેલી યોજી સીઆર પાટીલનું કર્યું ભવ્ય સ્વાગત। સીઆર પાટીલે ધારીના નર્મદેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં કાર્યકરો સાથે સાંભળી મન કી બાત। પાટીલે સ્થાનિક આગેવાનો અને કાર્યકર્તાઓ સાથે બેઠક યોજી ભાજપની જીતની આશાનો મંત્ર પણ આપ્યો। ડાંગના દહેર સ્ટેટના રાજવી તપતરાવ પવાર ભાજપમાં જોડાયા। મંત્રી ગણપત વસાવા અને ઈશ્વર પરમારના હસ્તે ધારણ કર્યો ભાજપનો ખેસ। રાજ્યના ફિક્સ પગારદારો માટે ખુશખબર, જમા થયેલી રજાઓ પૂરો પગાર ઉકળા સાથે મળશે। જમા થયેલી રજાઓને 5 વર્ષ બાદ આગળ પણ લઈ જઈ શકાશે। વણ વપરાયેલી રજાઓને 5 વર્ષ બાદ આગળ લઈ જઈ શકાશે। હિસાબ અને નિયામક કચેરીએ આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરતું પરિપત્ર જાહેર કર્યું। સરકારના ફિક્સ પગારદારોની દિવાળી સરકારી સુધાર। સુરતના મહિધરપુરા હીરા બજારમાં લૂંટનો થયો પ્રયાસ। 4 જિલ્લા લૂંટારોએ ઘાતક હથિયારો સાથે લૂંટનો પ્રયાસ કર્યો। ઓફિસમાં કંઈ ન મળતા વેપારીને માર મારી ફરાર થયા લૂંટારો। લાજપુર જેલમાં બંધ લંપટ નારાયણ સાંઈ પાસેથી મળ્યો આવ્યો મોબાઈલ। ઝડતી દરમિયાન બેરેક નંબર 5 અને 66 વચ્ચેના કોમન ટોયલેટ પાસેથી મોબાઈલ મળ્યો નારાયણ
नारायण साही सहित पांच विरुद्ध सचिन पुलिस में नोधाई फरियाद। दुष्कर्म केस में लाजपोर जेल की अंदर आजीवन कैद की सजा भोगी रहो नारायण साही। समाजसेवी पीवीएस शर्मा करोड़पति निकलो। सर्जन सोसायटी में मोहघुदाट प्लॉट तो उनमा 18 प्लॉट 18 लाख की ऑफिस। शर्मा भाड़ा की आवक 3.5 लाख रूपया। शर्मा त्रण लॉकर पैकी बे ऑपरेट करेर जटली जगह पर दरोड़ा की कार्यवाही। इस्कॉन गुजरात प्रमुख जशमंदीन दास जी 72 वर्ष की वये निधन। 45 वर्ष सुधी गुजरात में श्रीकृष्ण भक्ति करो प्रसार प्रचार। 40 की वु मंदिर केन्द्रों की करी स्थापना। शक्तिपीठ बहुचराजी में माताजी सम्मुख नवखंड पल्ली भराई। शास्त्रोक्त विधि विधान साथ अर्चा पूजा अर्चना कर प्रथम वक्त भक्तों वगर भराई माताजी पल्ली। महसाणा ऊंझा में उमिया माताजी परिसर में योजाई महाआरती। 8 निमित्ते सोशल डिस्टन्स साथ महाआरती आयोजन। 150 नडियाद में माता केशव भवानी मंदिर में नवरात्रि पर्व की उजवणी। नवरात्रि में थती कलात्मक आरती दर्शन कर भक्तों धन्यता अनुभव। दर वर्षे मंदिर में गरबा थाय आयोजन। आ वर्षे गरबा बंद होवाथी भक्तों आरती दर्शन माटे आवी रह्या छे। 31 ऑक्टोबरे सरदार पटेल की जन्मजयंति पहला नवसारी में रन फॉर यूनिटी दौड़ आयोजन। जिला पुलिस आयोजित दौड़ में पुलिस जवानों मोटी संख्या में जोड़ाया। खेडूतों माटे सारा समाचार। मार्केटिंग यार्ड में मगफली भाव में उछाड़ो आवे। 20 किलो मगफली भाव में एकंदरे 20-40 रूपया जेटलो भाव वधारो। खेडूतों ने जाड़ी मगफली 20 रूपये किलो 1000-1150 सुधी मिली रो भाव। चीनी खरीदी वधता भाव में थयो वधारो। सौराष्ट्र में मार्केट यार्ड में मगफली की पुष्क आवक। 28-30 लाख गुणी मगफली की वेचाण तो टेकाना भाव करता वधु रूपया मळता खेडूतों खुशखुशाल। गैरकायदे लैंड शो मुख्य सूत्रधार और फरार आरोपी वीडियो वायरल। जंगल राजा ने पजवता आरोपी फरी रहा है आजाद। सिंह की पजवणी करना आरोपी ने लैने लोग में रोष। गैरकायदे लैंड शो करता आरोपी खुलेआम फरता वन विभाग सामने उठा सवाल। वन विभाग आरोपी ने केम नहीं पकड़त सवाल। 3 वर्ष पहला थे मरघी कांड में आरोपी से संडोवणी। अमदावाद में महिला कोर्पोरेटर साथ चील झड़प। नारंगपुरा चार रस्ता पास मोना प्रजापति की चैन ने चील झड़प थी। बाइक सवार शख्से लूट चलावी। जामनगर वीरपुर गाम में बोगस तबीब झड़पायो। एसओजीए डिग्री वगर प्रेक्टिस् करता राजेश राणपरिया ने झड़पी पड़ो। जनरल स्टोर्स में करते हो मेडिकल प्रेक्टिस्। ऑनलाइन एजेंसी सामे महसाणा तोल माफ विभागे हाथ धरी कार्यवाही। वेबसाइट पर मुकायल प्रोडक्ट तपासता नीति नियमों उल्लंघन सामे आव्यु। मोबाइल प्रोडक्ट में निर्देशों पालन न थता होवानो खुलासो। बनासकांठा भावर में हीराना कारखाना की आड़ में चालतू जुगारधाम झड़पायो। तिरुपति मार्केट में जुगार रमता 10 शख्सों ₹40,000 मुद्दा माल साथ झड़पाया। गीर सोमनाथ जिला ऊना में तालुका पंचायत की कचेरी झंखी रही है विकास। जर्जरित बनी चुकेली इमारत में कर्मचारी भयना ओथार हेठ कर रहा है काम। केवड़िया खाते योजना राष्ट्रीय एकता दिवस की तैयारी पूरजोश में। गुजरात पुलिस एकता परेड ग्राउंड पर मार्च पास की प्रेक्टिस् करी। आईबीपीटी सीआरपीएफ पीएसएफ एनएसजी एनडीआरएफ गुजरात पुलिस दल और अन्य सुरक्षा दलों की रहा है तैयारी। तो पुलिस सवार और एकएमएल सवार टुकड़ी परेड में जोड़ाई। प्रधानमंत्री 31 ऑक्टोबरे केवड़िया जंगल सफारी में विजिट करवाना होवाथी खास तैयारी। सैनिटाइजेशन रंग रोगान थी लेने विविध तैयारी। प्रवासी माटे बंद करायो सफारी। जंगल सफारी में देश विदेश 1500 जेटला पशु पक्षियों ने 7 झोन में रखाया। 31 ऑक्टोबरे सफारी ने विधिवत रीते खुल्लू मुकाय तेवी शक्यता। समाचारों में आगळ वधीए ते पहेला हाल रोकाईए ब्रेक माटे। ब्रेक बाद समाचारों में आगळ वधीए। वलसाड शहेरनी मध्यमां आवेला धोबी तळाव विस्तारमां पोलीसनुं मेगा कॉम्बिंग। जिला पोलीस वडानी आगेवानीमां 100 वधु पोलीसकर्मी अने उच्च अधिकारी जोड़ाया। धोबी तळाव विस्तारमां रहीशोना रहेणांक अने दस्तावेज पुरावानी कराई चकासणी। तपासमां 3 वाहनोमांथी दारू मळी आवे। धोबी तळावथी बहार निकळती तमाम रस्ताओ संपूर्ण बंद करी चेकिंग हाथ धरायुं। जरूरी पुरावा न मळता 20 जेटला वाहनो जप्त करी लेवाया। अचानक पोलीसनो मोटो काफलो उतरता समग्र विस्तारमां दोड़धाम मची गई। पंचमहालना शहरानाड़ा रोड पर सर्जा बे बाइक सामसामे अथड़ाता अकस्मात तो एक व्यक्ति घटनास्थल पर ज मौत जारी कि 3 लोग गंभीर रीते इजाग्रस्त। भरूचना दहेज रोड पर ट्रम टैंक पूर्ण अकस्मात ट्रक ने टक्कर बाद टेम्पो पलटी मारता बे लोगों मौत नीपजा 3 लोगों ने इजा थता हॉस्पिटल खसेड़ाया।
भरूच दहेज रोड पर तशान नजीक ट्रक की टक्कर बाद टेम्पो पलटी जता टेम्पो में सवार बे लोगों का मौत निपजा। अकस्मात में त्रण लोगों ने इजा पहुंचता हॉस्पिटल में खसेड़ाया। अंकलेश्वर वेपारी दहेज थी रविवार में वेपार करने जा रहा था। आ बनी घटना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। तो नवसारी में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आवेल ट्रिपल अकस्मात की घटना। खारेल ओवरब्रिज पर एक साथ त्रण गाड़ी धड़ाका भर अथड़ाई तमाम मुसाफरों आबाद मचा। भावनगर वर्तेज रंगोली चौकड़ी पास कार ज्यां आग भभूकी उठी। सीएनजी गैस पंप नजीक आग लगता नाश भाग मची। कार चालक बाहर दौड़ी आता दुर्घटना टड़ी। फायर ब्रिगेडे आग पर काबू में। आरोपी खेड़ा जिला में झड़पायो। अरवली जिला कुख्यात हुसैन उर्फे बिल्लो भट्टी की खेड़ा पुलिस धरपकड़ कर आरोपी ने बिलोदरा जिला जेल में मोकलवामां आव्यो। अमदावाद दरियापुर म्युनिसिपल काउंसिलर मोना प्रजापति साथ चेन स्नेचिंग। बाइक सवारों चेन लूटी ने फरार थे। रस्ता पर पटकाता महिला एकांत काउंसिलर थे इजाग्रस्त। बनासकांठा ढीमा गाम में महिला सरपंच ने मारी नाखा धमकी मिली। जाहिर मार्ग पर कचरो नाखता लोगों ने अटकावा जता एक शख्स धमकी आपी। हर्षा बहन सेवके वाव पुलिस मथके आ अंगे की जांच करी। बनासकांठा डीसा में लोन आपवाना बहाने खेडूत दंपति साथे 50 लाख की छेतरपिंडी। लोन अपावानुं कहीने कोरा चेक सहित डॉक्यूमेंट पड़ाव्या। पप्पू प्रहलाद प्रजापति अने तेना मळतियाओ सामे फरियाद। अमदावाद रखियाल में वृद्धा साथे छेतरपिंडी। हॉस्पिटल बहार मदद करवाना बहाने महिलाए 62,000 ना दागीना पड़ावी लीधा। कारना इलाज माटे 3,000 की सरकारी सहाय मळती होवानी आपी हती लालच। अमदावाद में 2 करोड़ की छेतरपिंडी करनार शख्स की बापूनगर पुलिस धरपकड़ करी। संजय दवे नामनो आंगड़िया पेढ़ीनो कर्मचारी पैसा लईने फरार थयो हतो। वापी अने दमणमां चोरी करती तरखाट मचावनार चोरनी पुलिसे धरपकड़ करी। दिवसे रिक्षा चलावी रात्रे करतो हतो चोरी। पुलिसे 54 मोबाइल सहित लाखोनो मुद्दामाल कब्जे कर्यो तो अनेक गुनाओनो भेद उकेलायो। हिम्मतनगरना पाणपुर पाटिया पासे आवेल कॉम्प्लेक्स माथी युवतीए छलांग लगावी। त्रीजा माळेथी पड़तू मुकता कमर अने माथाना भागे गंभीर इजाओ। सारवार माटे सिविल हॉस्पिटल खसेडाई। भावनगरना गारियाधारमां तळावमां नहावा पड़ेला 2 बाळको डूब्या। 12 वर्ष अने 14 वर्षना बाळकोना डूबी जवाथी मौत थया। बंने बाळकोना मृतदेहने बहार कढाया। साबरकांठाना तालोदना अणियोद गाममां नजीवी बाबतने लईने जूथ अथડામણ। 7થી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત। ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો। વડોદરાના શિરખીપુરામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલનો દરોડો તો દારૂની હેરાફેરી કરતા શખ્સની કાર સાથે ધરપકડ કરી લેવાય। ફાર્મ હાઉસમાં દારૂનો જથ્થો લાવી કરવામાં આવતો હતો સંગ્રહ। ત્યાંથી અલગ અલગ સ્થળે કરતા હતા સપ્લાય। સાબરકાંઠાના પ્રાંતિજમાં ખનિજ વિભાગ અને એસઓજીનું સંયુક્ત ઓપરેશન। રોયલ્ટી કરતા વધુ રેતી વહન કરતી ટ્રકો સામે કાર્યવાહી। 7 ટ્રક અને 1 જેસીબી સહિત રૂપિયા 1,40,00,000 મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો। भचाउना रामवाड़ी पासे महिला साथे थोड़ा दिवसे स्नेचिंग की घटना बनी। महिला की बंगड़ी ने लूंट चलावायानी फरियाद। पुलिस घटनास्थले पहुंची तपास हाथ धरी। भावनगर तड़ाचा में कार में रोकड़ी चोरी। नाठा दूध मंडली संचालक भोग बनया। बैंक में रूपया उपाड़वा जा रहा था त्यारे बेगठिया चोरी कर फरार थी गया। वापी जीआईडीसी 4 रस्ता नजीक थी थे टेम्पो चोरी सीसीटीवी सामने आया। कार में आवेला चोरे अंधारा लाभ ले चोरी कर दरवाजा लॉक तोड़ी टेम्पो लेने फरार थी गया। बनासकांठा थरा साचोर हाईवे पर ट्रक और बाइक वच्चे अकस्मात की घटना। बाइक सवार नु घटनास्थल पर ज मौत थयुं। अकस्मात बाद ट्रक चालक गाड़ी मूकीने फरार थयो। युवक नारोल पासे थी मळी आव्या बूट। आंगड़िया पेठी में रूपया पहुंचाड़वा गयेलो युवक गईकाले 10 लाख थी वधुनी रोकड़ साथे गुम थयो हतो। जूनागढ़ केस शोध में युवान पर फायरिंग मामलो। बहन साथे प्रेमलग्न कर्यानो खार राखी साड़ाए फायरिंग कर्यानो खुलासो। पुलिसे आरोपी की धरपकड़ कर पिस्तौल कब्जे कर। पहला थे दागीना चोरी नो भेद उकेलायो तो पुलिस से आरोपी ने मंदिर खाते फरजना स्थल ले जाने तपास और पंचनामू कर। 20 वर्ष बाद जौनपुर की आरोपी ने झड़पी पड़ाया। बनासकांठा वाव में गैरकायदे बायोडीजल झड़पायो। 18,000 लीटर बायोडीजल भरेलू टैंकर पुलिस झड़पी पड़ो। रूपया 70 लाख से वधुनो मुद्दामाल पुलिस जप्त कर। अमदावाद में विदेशी मेहमान साथ ठगाई मामलो। भारत प्रवास आवेला अर्जेंटीना महिला शिक्षक साथ साणना शख्से छेतरपिंडी करी। पुलिसे 2.5 लाख अपाव्या परत। भरत रबारी साथ गाढ़ मित्रता थता महिलाए उछीना 2.5 लाख रूपया आप्या। बाद में आरोपी तमिलनाडु भागी जता महिलाए अमदावाद ग्राम्य पुलिस नो संपर्क साध्यो। भारतना खास भरतना मित्रना माध्यम थी रूपया परत अपाव्या। अमदावादना बापूनगर में पतिए पत्नी और दीकरा पर फेंक्यू ज्वलनशील प्रवाही। पत्नी घर में काढ़ी मूक्या पछी साथे रहेवा दबाण करतो बापूनगर पुलिस स्टेशन में महिलाए नोंधाई।
अमदावाद साइबर क्राइमे कार क्लोनिंग करी छेतरपिंडी करता वधु एक आरोपी की धरपकड़ करी। अत्यार सुधी त्रण आरोपी झड़पाया। पीओएस मशीन आधार अमदावाद बेलगाम आगरा ने गोवा में करी छेतरपिंडी। कंटेनर रेलवे फाटक में फसाय। भारी जहमत बाद कंटेनर ने बाहर कढ़ाय। रेलवे की रैली ने नुकसान पहुंचू। टैंकर फसाता सर्जाय ट्राफिक जाम। राजकोट में मजूरो भरेली बस ने नड़ो अकस्मात। गोंडल जेतपुर हाईवे पर खानगी बस बोकड़ा में उतरी जता अकस्मात सर्जाय। ग्रामजनों मजूर ने बस में बाहर काढ़ा। बे व्यक्तियों ने गंभीर इजा पहुंचता राजकोट सिविल खाते सारे खसेड़ाया। आणंद में इलेक्ट्रिक काम करता 41 वर्षीय पुरुषे गड़े फांसो खाई आपघात करो। इंदिरा गांधी चौकड़ी खाते कृष्णा कॉम्प्लेक्स में आत्महत्या। पुलिस आ मामले हाथ धरी तपास। पोरबंदर वीरभूमि खांभी नजीक कार और रिक्शा वच्चे अकस्मात की घटना। घटनास्थले ज फरज बजावता एक पुलिसकर्मी मौत थयुं तो एक पुलिसकर्मी गंभीर रीते इजाग्रस्त। कार चालक दारू की नशा की हालत में होवानी शक्यता। वडोदरा पास नेशनल हाईवे पर गमफार अकस्मात। मुंबई की वेरावल जती कार ट्रेलर में घुसी गई। कार चालक की घटनास्थल पर ज निपजी मौत। फायरब्रिगेडे फसायेल मृतदेह बाहर काढ़ो। अकस्मात ने कारण नवी कार कच्चर खाण पड़ो। नवी अटिंगो कार जेमा सवार था चार लोग जांबुवा की तरसाली वच्चे अकस्मात की घटना। अंकलेश्वर छापरा पाटिया पास जेसीबी और बाइक वच्चे अकस्मात। बाइक सवार बे लोगों घटनास्थल पर ज मौत थे। अंकलेश्वर जता बाइक चालक ने नड़ो अकस्मात। अमदपुरा जीसीएस होस्पिटल में दर्दीए सातमा माड़े की झंपलाव्यो। कोरोना की सारवा लई रहेला 40 वर्षना दर्दी गंभीर रीते इजाग्रस्त। आत्महत्या प्रयास नु कारण अकबर। बनासकांठा थराद पास नर्मदा केनाल में मृतदेह मिली आयो। रात्र युवान केनाल में पड़ो होवानी जाण थता स्थानिक तरवैया युवक ने शोधखोड़ हाथ धरी थी। अमदावाद घाटलोडिया में वाहन में आग लगवानी घटना। रोड बनावानी कामगिरी दरमियान वाहन में लागेली आग पर फायर ब्रिगेडे काबू मेळव्यो। सदनसीबे कोई जानहानी नहीं। बनासकांठा में डीसानी जूनी शाक मार्केट में दुकान में आग लागी। इलेक्ट्रिक की दुकान में आग लगता रूपया 2 लाख का मुद्दा माल बढ़ी खाक थो। शॉर्ट सर्किट से आग लगी होवानु अनुमान। राज्य में कोरोना केर यथावत। आज नवा 1021 दर्द नोधाया। कुल 6 दर्द कोरोना की मौत थे। 1013 दर्द स्वस्थ थी घरे परत फरिया। राज्य में दर्द साजा थान दर 89.37%। सूरत जिला में नवा 237 केस नोधाया। 257 दर्द कोरोना ने मात आपी। अमदावाद में कोरोना प्रकोप यथावत। जिला में 177 नवा केस नोधाया। तो वडोदरा जिला में कोरोना 117 केस नोधाया। 126 दर्द एक दिवस में स्वस्थ थया। राजकोट जिला में कोरोना 103 केस नोधाया। त्यौहार समय कोरोना की तेज रफ्तार। जामनगर शहर में कोरोना 35 केस नोधाया। महसाणा में 29 जारे साबरकांठा में 26 दर्द नोधाया। अमदावाद में वृद्धाश्रम में रहता वडीलों पर वधु कोरोना जोखम। नारायणपुरा विस्तार में आवेल जीवन संध्या वृद्धाश्रम में 160 में 38 वृद्ध पॉजिटिव। माइक्रो कंटेनमेंट जाहिर कर। सूरत में कोरोना ने बेकाबू रफ्तार। तहेवार समय कोरोना केस में उछाड़ो आता तंत्र दौड़त। जिला में कोरोनाग्रस्त दर्द की संख्या 35,000 ने पार। सूरत सिविल होस्पिटल में 93 कोरोना पॉजिटिव दर्द की चाली रही है सारवार। 65 दर्द की हालत गंभीर तो 5 दर्द वेंटिलेटर पर। अमदावाद में कांग्रेस प्रदेश मंत्री अरविंद चौहान और तेमना पत्नी कोरोना से संक्रमित। लॉकडाउन में अनेक सेवा कार्यों में जोड़ायेलू दंपति। विजयादशमी पर्व जामनगर और देवभूमि द्वारका जिले में राजपूत समाज शस्त्रपूजन कर। कोरोना काल में सोशल डिस्टन्स राखी शस्त्रपूजन की परंपरा है तेने जाळवी रखाई। तो विधि विधान साथ करायु शस्त्रपूजन। सरकार की गाइडलाइन साथ शास्त्रोक्त विधि मुजब शस्त्रों की पूजा कराई। पाटण में विजयादशमी की उजवनी शस्त्रपूजन और अश्वपूजन कर। एसपी सरोज सिंघे परंपरागत प्रमाण हथियारों की पूजा। कोरोना महामारी कारण अंबाजी में दशहरा पर्व की उजवनी न कराई। रावण दहन भगवान श्रीराम की शोभायात्रा सहित कार्यक्रमों मुलतवी रखाया। अंबाजी दशहरा उत्सव समिति निर्णय कर। देवगढ़ बाणिया में 200 वर्ष से भरात पारंपरिक दशहरा मेड़ो रद्द कर देवायो। कोरोना महामारी ने कारण न योजा मेड़ो। मेड़ा स्थल भासी रहा है सुमता। फाफड़ा जलेबी धंधा में मंदिरों में होल। दुकानों पर खूब ओछा ग्राहकों जोवा मळ्या। वेपारी थया निराश। बनासकांठा जलोत्रा गा में आठमना दिवसे पुरुषों स्त्री वेश धारण कर नृत्य साथ माता की आराधना कर वर्षो थी चालती आती परंपरा निभावी। वर्षो थी नवरात्रि में आठमना दिवसे पुरुषों नौरत्य बनी
परंपरागत रीते करे छे माताजी नी पूजा। पालनपुर ना अनेक गामों में पुरुषों नर्तिया बनी ने माताजी नी पल्ली भरी। આ સાથે જ આ બુલેટિનમાં અત્યારે આટલું જ, પણ વધુ સમાચાર માટે આપ જોડાયેલા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથે। નમસ્કાર।